हर साल नवरात्रि में अधिकांश लोग 9 दिनों का व्रत रखकर शक्ति की उपासना करते हैं। अक्सर यह देखा गया है कि लोग व्रत में या व्रत के दौरान खाने से बचते हैं, जिसका बुरा असर उनके स्वास्थ्य पर पड़ता है, क्योंकि स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए शरीर को पौष्टिक तत्वों की आवश्यकता होती है। ऐसे में अगर कुछ बातों का ध्यान रखा जाए तो आप व्रत के बाद भी स्वस्थ बने रह सकते हैं। व्रत के अलावा बाकी दिनों में हम मुख्य भोजन के साथ साथ दिन भर कुछ न कुछ खाते रहते हैं, लेकिन व्रत के दिनों में या तो हम बहुत कम खाते हैं या कुछ खाते ही नहीं और अपने स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करते हैं। ऐसे में हमें अच्छी मात्रा में ऐसे फूड्स लेते रहना चाहिए जो हमें एनर्जी दे। आध्यात्मिक बनना अच्छी बात है, लेकिन अपने शरीर का ध्यान रखना भी जरूरी है। इसलिए व्रत के दिनों में खाने के कुछ महत्वपूर्ण तरीकों को अपनाएं, जैसे दिन में 2 गिलास दूध और दूध से बनी चीजों का इस्तेमाल जरूर करें। इसके साथ ही ड्राई फ्रूट्स, खीर भी एक अच्छे विकल्प है। इसके अलावा आप गाढ़ी, मीठी या नमकीन लस्सी भी ले सकते हैं। आप खुद से बनाएं अपने लिए स्वादिष्ट और पौष्टिक आहार। कई बार ये देखा जाता है कि लोग व्रत के दौरान तले हुए आलू खाना पसंद करते हैं, लेकिन आपके स्वास्थ्य के लिए ये बहुत फायदेमंद नहीं होता, इसलिए इसकी जगह आलू का ही दूसरा विकल्प चुन सकते हैं। आप ये कर सकते हैं कि उबले आलू को छोटे छोटे टुकड़ों में काट ले, फिर इसमें थोड़ी सी हरी चटनी या फिर इमली की चटनी डाले, नींबू का रस, नमक, काली मिर्च भी डाले और इसे अच्छी तरह से मिला ले। पनीर की टिकिया या फिर फ्रूट चाट भी बेहतर विकल्प है। आलू और मखाने को क्रिस्पी बनाने के लिए एक साथ थोड़ा सा तेल डालकर मिलाए। आप चाहे तो इसमें पनीर, टोफू, नींबू, मसाले और विनेगर भी मिलाकर इसे खा सकते हैं। बच्चों, बड़ों और गर्भवती महिलाओं के लिए बनाए अलग अलग व्यंजन। बच्चों के लिए कई बार ऐसा होता है कि बड़ों की देखा देखी बच्चे भी व्रत रखने की जिद करने लगते हैं और उसमें शामिल भी हो जाते हैं। ऐसे में उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखना बेहद जरूरी है। बच्चों को आलू की बजाय कट्टू की रोटी दे, पनीर और कट्टू आटा को मिलाकर रोटी बनाए और आलू, पनीर या लौकी की सब्जी के साथ ही खीरे के रायते के साथ उसे परोसे। फ्रूट शेक जैसे कि एप्पल शेक, आइसक्रीम शेक भी एक सही विकल्प है। फ्रूट क्रीम भी बच्चों को काफी पसंद आती है। बड़ों और बुजुर्गों के लिए कई बार ऐसा होता है कि बुजुर्ग पहले से करते आ रहे अपने व्रत को छोड़ना नहीं चाहते। उससे उनकी आस्था ऐसी जुड़ी होती है कि वह अपनी बढ़ती उम्र के ख्याल तक को दरकिनार कर देते हैं, लेकिन इस उम्र में उनके लिए अपने खाने पीने का ख्याल रखना बेहद जरूरी होता है। यही बात बड़ों पर भी लागू होती है। ऐसे में आप उन्हें सलाह दें कि वे ढेर सारा दूध और पनीर को भी अपने खाने में शामिल करें। इसके साथ ही शारीरिक कसरत भी जरूरी है। डिनर में हल्का भोजन लें। गर्भवती महिलाओं के लिए आमतौर पर गर्भवती को व्रत रखने की सलाह नहीं दी जाती, फिर भी वह व्रत रखना चाहती है तो उन्हें दिन में 2 बार नारियल पानी पीना चाहिए। साथ ही दिन भर बीच बीच में उन्हें कुछ न कुछ खाते रहना चाहिए। उनके लिए फल वगैरह भी एक अच्छा विकल्प हो सकता है। साथ ही वह ज्यादा से ज्यादा दूध और दूध से बनी चीजों का सेवन भी कर सकती है।